देखिए अभी का मौसम अगर हम कहें तो बहुत ही गर्म है, कभी बारिश हो जा रही है और गर्मी है। अब आज का अगर हम लोग देखें तो आज 41-42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो इस समय गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके उनको पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। अब ये है कि लोग सोचते पानी, सिर्फ पानी नहीं, पानी में जब लॉस होता है, गर्मी होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी होता है गर्भवती महिलाओं में। तो मैं ये कहूँगी कि उनको अभी का जो मौसमी फल है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब खूब सेवन में लेना चाहिए। नारियल पानी जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है, उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। बीच बीच में उनको नींबू का घोल, ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल, जो कि हमारी सरकारी व्यवस्थाओं में ORS के नाम से आता है, वो उनको लेकर हमेशा सेवन करते रहना चाहिए। तेल, घी, मसाले का सेवन, जैसे तरल पदार्थ, लोग सोचते हैं कि हम गर्भावस्था में लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ तेल की चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर इस गर्म मौसम में मैं ये कहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को ऑयली खाना, माने तरल पदार्थ खाना कम करना चाहिए। और खाने का सेवन समय समय पे करना चाहिए, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं को ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके खाएं और बीच बीच में पानी की मात्रा लेते रहें। देखिए मैं ये खास करके जो आपकी किशोरी हैं, किशोरी लड़कियाँ जो होती हैं, वहीं जाके आगे चल के गर्भावस्था को धारण करती हैं। आजकल की किशोरी लड़कियों में फास्ट फूड का बहुत शौक़ है, जैसे कि वो मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खूब लेती हैं। ठीक है, वो शौक़ पालें, लेकिन ये चीज़ है कि उसको आदत ना बनाएं, वो एक शौक़ है। तो उसके अलावा उन्हें अपने पोषण का भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें खाने में हरी साग सब्जी, दूध, पानी का सेवन तो मैं हमेशा कहूँगी कि इस मौसम में हमेशा लें। गुड़ का सेवन ज़रूर लें, क्योंकि गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आयरन की कभी कमी नहीं होती है, उसमें आयरन का सोर्स बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा बॉडी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ है कि उन्हें दाल और दूध का भी सेवन करना चाहिए, हमेशा फास्ट फूड पे नहीं रहना चाहिए।